Great cell, the unit of life. When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has? The answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell, in all living organisms. All organisms are composed of cells. Some are composed of single cell and are called unicellular organisms, while others like us, composed of many cells, are called multicellular organisms. जब भी तुमने आसपास देखा है तो तुमने ये वंडर तो ज़रूर करा होगा कि ये क्या चीज़ का डिफरेंस है जो किसी को नॉन लिविंग और किसी को नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट कर रही है. क्या है जो एक इनएनिमेट थिंग जो है उसको नॉन लिविंग बना रही है, और क्या है जो मुझे या तुम्हें या कोई किसी बैक्टीरिया या किसी भी लिविंग थिंग को लिविंग बना रही है. इसका आंसर है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, जो हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है. अब मल्टी सेलुलर जैसे हमें बहुत सारे होते हैं, और यूनिसेलुलर जैसे कि बैक्टीरिया, मोनोरन्स और प्रोटिस्ट, उनमें एक ही होते हैं. तो ये सेल है क्या? व्हाट इज़ अ सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. हैंस सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए केपेबल होते हैं. वो केपेबल होते हैं कि वो एसेंशियल लाइफ फंक्शंस है जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, वो उससे भी परफॉर्म कर सकते हैं. एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. कोई भी स्ट्रक्चर जो कि सेल से छोटा है या सेल से कम डेवलप्ड है वो लिविंग इंडिपेंडेंटली लिविंग को अश्योर नहीं कर सकता. इसलिए अब जब हम 11th क्लास में आ गए तो हम एक अच्छी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंटन वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल. वेरी इंपॉर्टेंट, एंटन वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार देखा और डिस्क्राइब करा था एक लाइव सेल को. रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर के न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था. द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द सेल. जैसे इन्वेंशन हुआ माइक्रोस्कोप का और उसके इम्प्रूवमेंट का, तो और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे डेवलप हुए तो उसने रिवील करे स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ सेल की.